गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्य वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कक्षा 10 का चैप्टर है 11th समरूपता सिमिलरिटी। तो उसकी एक्सरसाइज थी 11.1, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप या ट्रू फॉल्स टाइप छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, थेल्स थ्योरम, या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करें तो वो थेल्स थ्योरम के नाम से भी इसका नाम याद रख सकते हैं, या फिर इसको अपन बीपीटी भी बोलते हैं। बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे नोट कर रखा है, ध्यान देंगे। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यूं समझिए, पहले हम देखिए डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ध्यान देंगे। जैसे ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, क्या कहा जा रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल इसकी जो एक कोई भी एक साइड ले सकते हो, किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है। मान लीजिए हम इस प्रकार से ये कोई लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल बीसी के पैरेलल ये कोई लाइन खींची, फिर आगे क्या कर रहा है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू साइड्स को एक के पैरेलल खींची तो दो साइड्स, एक ए बी बची और एक ए सी बची, इनको क्या करती है, काटती है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग बिंदुओं पर। मान लेते हैं ये जो पैरेलल लाइन खींची है, ए बी को ये डी पर इंटरसेक्ट करती है और ए सी को ये ई पर इंटरसेक्ट करती है, ये अपने मान लिया। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यूं कह रहा है कि ये जो दो भुजाएं हैं ये समान अनुपात में विभाजित होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको क्या बताया गया है यहाँ क्वेश्चन में, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तो लिख देंगे दिया है, दिया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिख देंगे गिवन, एक ही बात है। ठीक है, क्या क्या बता रखा है यहां, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई जो लाइन है हमने इस प्रकार से खींची है कि ये त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी के पैरेलल रहे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डी ई इज पैरेलल टू बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में डी ई बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ये दिया गया है, सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो दो साइड्स जो हैं वो समान रेशियो में विभाजित होती हैं, समान अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी अनुपात हुआ AD अपॉन BD, एक साइड का अनुपात तो ये हुआ, दूसरी साइड का अनुपात हो गया AE अपॉन CE, ये अपने को प्रूव करना है। अब ये प्रूव हम कैसे करेंगे वो देखिए, इसके लिए हम एक रचना भी कर लेते हैं। रचना क्या करोगे, B को E से कनेक्ट कर देते हैं, C को D से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वी कनेक्ट B टू E एंड C टू D। ठीक है, या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिख देंगे B को E से तथा C को D से मिलाया,
क्या लिख देंगे, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, तथा और क्या कंस्ट्रक्शन करना है, परपेंडिकुलर्स डालेंगे डी से ए सी पर, परपेंडिकुलर डालेंगे, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ए बी सी डी ई एफ, इसको मैं एफ लिख देता हूं, और इधर से जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसको मैं यहां जी लिख देता हूं। क्लियर है यहां तक? तो वी ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एफ ऑन ए सी एंड ई जी ऑन ए बी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, बी को ए से कनेक्ट किया है, सी को डी से कनेक्ट किया है, और ये परपेंडिकुलर्स डाले, तो ये चीजें भी आप लिख देंगे। ई जी तो परपेंडिकुलर डाल दिया आपने किस पे, ए बी पे, एंड डी एफ ये परपेंडिकुलर हमने डाला है ए सी पर, और इसके साथ ही और क्या किया हमने, बी को ई से कनेक्ट किया है और सी को डी से कनेक्ट किया, तो ये चीजें भी यहां नोट कर देंगे, वी कनेक्ट ई बी टू ई एंड सी टू डी, ये भी लिख देंगे, बी कनेक्ट बी टू ई एंड सी टू डी। ठीक है, ज्वाइन भी कर सकते हो, वी ज्वाइन, ठीक है, मिलाया। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गया, अब ये जो रेशियो है ये देखिए किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, यहां हम ये जो नीचे ट्राइंगल्स डी ई पैरल है बी सी के, और बी को ई से और सी को डी से कनेक्ट करने पर यहां ट्राइंगल बने, इन ट्राइंगल्स में देखते हैं, ऐसे दो ट्राइंगल्स देखते हैं जो इन पैरल लाइंस के बीच में हो, एक ही बेस हो, तो देखिए यहां से यदि देखते हैं बी सी को यदि बेस लेते हैं तो एक ट्राइंगल ये हो जाए ये वाला, और एक ट्राइंगल ये हो जाए ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां, या फिर यदि आप डी ई को बेस लेते हैं तो एक ट्राइंगल ये हो जाए बी डी ई, और एक ट्राइंगल ये हो जाए सी डी ई, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप बी सी डी ट्राइंगल लें, चाहे आप सी बी ई ट्राइंगल लें, चाहे आप बी डी ई लें, चाहे आप सी डी ई लें। ठीक है, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम थी, क्या एक ही बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में यदि टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स स्थित हैं, लाई करती हैं, तो उनके जो एरियाज हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी यही जो थ्योरम है अप्लाई होगी, कौन सी, एक ही बेस, चाहे तो ये मान ले चाहे ये मान ले, एक ही बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल लाई करेंगी उनके एरियाज इक्वल होंगे, तो यहां प्रूफ में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई लिख दो या सी ई डी लिख दो, क्यों, कारण लिख देंगे, बोथ ट्राइंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सेम बेस यानी एक ही बेस पर स्थित हैं और एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में स्थित हैं, इसलिए इनका एरिया इक्वल हो गया। क्लियर है यहां तक, ये इक्वेशन वन पुट अप कर दिया। अब ये जो दो ट्राइंगल हमने ली हैं, इनके एरियाज को हम कंपेयर करते हैं ए डी ई से, ए डी ई से कंपेयर करते हैं, देखो कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो अपन शुरू से पढ़ते आए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्राइंगल के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और इसके लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब ध्यान देंगे 1/2 इंटू ए डी ई ट्राइंगल, ए डी ई ये ट्राइंगल ये वाला, इसका बेस मैं मान लेता हूं ए डी को, तो हाफ इंटू बेस की जगह मैंने रख दिया ए डी। इंटू हाइट कौन सी हो जाती है ट्राइंगल में, ये आपको बताया गया था कि जो बेस लिया जाता है अपोजिट वर्टिक्स से उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हाइट होता है। तो इसके इसका जो अपोजिट वर्टिक्स है ई हुआ, ई से परपेंडिकुलर हुआ ई जी या जी ई, ठीक है जी ई, ये परपेंडिकुलर हो गया। अपॉन बी डी ई के लिए हाफ है ई, इसका बेस बी डी ई, इसका बेस मैंने मान लिया बी डी इंटू हाइट। अब बी डी पर अपोजिट वर्टिक्स कौन सा हुआ ई हुआ, ई से परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, देखिए ट्रायंगल के अंदर नहीं इसके एक्सटीरियर पार्ट में ये जी ई ए हुआ, इसको एक्सटेंड करने पर ये परपेंडिकुलर इसी पर तो है, तो जी ई ही इसका परपेंडिकुलर हुआ। क्लियर है यहां तक, क्या क्या कैंसिल हो जाता है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता है, जी से जी ई से जी ई कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है ए डी अपॉन बी डी ये बचा। या फिर इसे आप कैसे लिख देंगे, इसे हम लिखेंगे देखिए पलट के, हमें मान इसका निकालना है एरिया ऑफ बी डी का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू आएगा बी डी अपॉन ए डी इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। इसको आपने इक्वेशन 1 लिखा था, इसे मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूं, ठीक है यहां तक। सिमिलरली अब ध्यान देंगे, जिस प्रकार से ये रिलेशन हमने कैलकुलेट किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, इसी प्रकार से अब जो दूसरा ट्राइंगल ये बचा इसका और ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इन दोनों के एरियाज को इसी प्रकार से कंपेयर करते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू आ जाएगी सी ई अपॉन ए ई इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंपेयर कर देंगे 1, 1, 2, 3, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। कंपेयर करने पर क्या आ जाए, ध्यान देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी कितना है, इसकी जगह ये पुट अप कर दिया बी डी अपॉन ए डी इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ई डी, एरिया ऑफ सी ई डी ये रहा, इसकी जगह रख दिया सी ई अपॉन ए ई इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ओके। अब ध्यान दीजिए दोनों साइड्स में क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई रिमूव हो जाएगा, रिमूव होने के बाद में आपके पास बचता है बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई, ये बचा, ये दोनों चीजें सेम है तो रिमूव होगी, या फिर यदि दोनों फ्रिक्शंस को अपन चेंज कर दें पलट दें तो क्या आ जाता है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। देखिए हमें क्या शो करना था, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ये हमें प्रूव करना था, मतलब क्या हुआ इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, समान अनुपात में विभाजित होंगी वो दोनों रेखाएं। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छी तरीके से इसको दिमाग में बिठा देंगे, ओके स्टूडेंट्स। एक इसका इनवर्स हो जाता है, तो उस इनवर्स में देखो क्या होगा, ध्यान देंगे जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, क्या जैसे ये है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे
तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। देखो ये जो शब्द है ना ये हटा दिया जाएगा समांतर, क्या कहा जाएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा को एक भुजा के समांतर नहीं खींची गई, किसी त्रिभुज में कोई रेखा खींची गई किस प्रकार से कि वो उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। ध्यान देंगे, यूं बताया जाएगा कि किसी त्रिभुज में कोई रेखा इस प्रकार से खींची जाए कि वो रेखा उस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो, तो सिद्ध कीजिए कि वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाला रेखाखंड, दो भुजाएं तो कोई भी तीसरी भुजा बची, इसके समांतर होगा। ये यहां सिद्ध करना होगा, ये इसका कन्वर्ज कहलाता है, ठीक है, विलोम कहलाता है, ठीक है। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता देता हूं, ध्यान देंगे, आसान सा है। इसमें जो डी इज पैरेलल टू बी सी ये तो आ जाएगा यहां, ये तो सिद्ध करना है, और ये जो टू प्रूव है ए डी अपॉन बी डी ए अपॉन सी ये चला गया यहां, क्योंकि ये आपको दे रखा है समान अनुपात में विभाजन हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ गया। अब क्या करेंगे, डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ध्यान देंगे भाई, ए बी सी और ये कोई रेखा हो गई, यहां आपको दे रखा है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, ये तो दे रखा है, सिद्ध करना है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो यहां आप क्या मान के चलेंगे, एक बार अपोजिट लेके चलेंगे, हम ये मान लेते हैं कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। तो फिर यदि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन सेगमेंट होगा जो बी सी के पैरेलल होगा, वो लाइन सेगमेंट हम इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये कोई दूसरा लाइन सेगमेंट है डी एफ जो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। यदि डी एफ बी सी के पैरेलल है तो अभी जो बीपीटी थ्योरम हमने अप्लाई किया था उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने पास यहां रिलेशन आना चाहिए AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन CF, ये आना चाहिए। लेकिन आपको दिया क्या है, आपको ये बता रखा है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, ठीक है। दोनों को कंपेयर करें तो देखिए AD अपॉन BD, AD अपॉन BD वन साइड इक्वल है, अदर साइड भी इक्वल हो जाए, क्या आ जाएगा AE अपॉन CE इज इक्वल टू AF अपॉन CF आ जाएगा। दोनों साइड में यदि आप वन ऐड कर देते हो, वन ऐड करने पर ये क्या आ जाएगा CE प्लस AE अपॉन CE, इधर हो जाएगा AF प्लस CF अपॉन CF। डायग्राम से यदि आप देखेंगे CE प्लस AE, CE प्लस AE ये AC हो जाता है, तो AC अपॉन CE हो गया। आगे AF प्लस CF, AF प्लस CF तो ये भी AC हो गया अपॉन CF, AC से AC रिमूव हो जाएगा तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन CF, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा C इज इक्वल टू CF, ये आएगा। अब यहां देखा जाए क्या CE और CF, CE और CF इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ये केवल एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, कब, जब दोनों पॉइंट्स कौन से E और F क्या हो जाए कंसिस्टेंट या फिर कोइंसाइड, कोइंसाइड संपाति हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाए, संपाति हो जाए, यानी एक ही पॉइंट पर स्थित हो, तो एक ही पॉइंट पर स्थित होते ही एफ ई पर आ जाता है या ई एफ पर आ जाता है। तो डी एफ आपने किसके पैरेलल माना है बीसी के, यदि एफ की जगह ई आ गया इसका मतलब डी ई बीसी के पैरेलल हो गया, क्लियर। तो ये था बीपीटी का कन्वर्स, उम्मीद है समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आज हम ये दो थ्योरम ही देखते हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है, और अपने वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।